नमस्कार, आज हम ब्रांचिंग ऑफ लाइन ये वीडियो हम देखेंगे. इफ़ यू वांट टू सी द सेम कंटेंट विद सेम वीडियो, यू हैव लिंक इन योर डिस्क्रिप्शन बिलो. तो ब्रांचिंग ऑफ लाइंस, हर लाइन के लिए ब्रांचिंग मतलब ऊपर ऐसा आना, हर लाइन के लिए उसका मीनिंग बहुत ही अलग अलग रहता है. वो हम कैसे रहेगा अलग, ये हम देखेंगे. ये लाइफ लाइन है, जीवन रेशा. अगर उसके अंत में जीवन रेशा बहुत सारे लाइंस में विभक्त हो जाए, ब्रांचिंग हो जाए, तो जीवन रेशा क्या है? जीवन रेशा ऊर्जा है. ऊर्जा अगर विभक्त हो जाए, अलग अलग हो जाए, तो उसकी जीवन शक्ति कम हो जाती है. बहुत से रुग्ण जिनको लॉन्ग टर्म डिजीज़ रहते हैं या जॉइंट पेन का डिजीज़ रहते हैं, ड्यू टू विच दे कैनॉट गो फॉर, जैसे बेड रिडन रहते हैं, उनके हाथ में दिस टाइप ऑफ साइन वी कैन सी. सो दिस इज़ द साइन. ये ऐसा चिन्ह है जो जीवन रेशा की शक्ति कम कर देता है. अगर किसी के हाथ में ये चिन्ह है और वो अभी भी यंग है, तो मैं उसको एक रेमेडी ज़रूर दूंगा. वो पहले से ही अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए. खान पीन और एक्सरसाइज उसने बहुत ही अच्छी करेंगे, तो ये चिन्ह अपने आप मिट भी सकता है. सो यू डोंट हैव टू फियर अबाउट इट, यू हैव टू गो फॉर दिस रेमेडी. आपने वो शुरू करना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है. कभी कभी सो जीवन रेशा अंत में अगर बहुत सारे लाइंस में विभक्त हो जाए, तो जीवन रेशा के लिए ये चिन्ह अशुभ है. लेकिन कभी कभी जीवन रेशा बहुत स्ट्रांग रहती है, बहुत डीप रहती है, उसमें से कुछ लाइंस अंदर की तरफ, एक दो ही लाइंस जाती है. बहुत सारी ऊर्जा होने की वजह से ये ब्रांचिंग होता है, विच इज़ पॉजिटिव फॉर लाइफ लाइन. फिर हम देखेंगे भाग्य रेशा. भाग्य रेशा को दो तरह के ब्रांचेस दिखते हैं. जो नीचे, उसको हम ब्रांचिंग नहीं बोलेंगे, ज्वाइनिंग ऑफ अदर लाइंस बोलेंगे. सो दो तीन लाइंस भाग्य रेशा को ज्वाइन होती है. इसमें भाग्य रेशा की शक्ति बढ़ती है. व्यक्ति का जो फाइनेंशियल कंडीशन है, उसको वो बढ़ता है. तो ये ज्वाइनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ गुड फॉर फेट लाइन. और फेट लाइन कभी कभी लास्ट में चार, दो से तीन ब्रांच में विभक्त हो जाती है. ये भी इंडिकेट करता है कि जो व्यक्ति के स्किल है, उसका पैसा या उसका काम है, वो अलग अलग तरह से उसका उपयोग करेगा. समाज में उसका उपयोग करेगा, स्पिरिचुअली कर सकता है और मेकिंग मनी के लिए कर सकता है. सो ब्रांचिंग फॉर फेट लाइन, नीचे ज्वाइनिंग हो या आगे जाके शनि के पर्वत के ऊपर उसका ब्रांचिंग हो, फेट लाइन के लिए, भाग्य रेशा के लिए, दोनों पॉजिटिव रहेगा. अभी हम मस्तक रेशा देखेंगे. अगर मस्तक रेशा लास्ट में जाके दो या तीन ब्रांच में वो एंड हो जाए, और अगर दो या तीन ब्रांच उनका इंटेंसिटी, डीपनेस, कलर सेम रहेगा, तो ये उत्तम बुद्धिमत्ता का लक्षण है. लेकिन अगर मस्तक रेशा बहुत सारे लाइन में एंड हो रही है, 10-15 एकदम सूक्ष्म लाइंस में एंड हो रही है, तो ये किसी नर्वस सिस्टम से, चेता संस्था के रोग से प्रभावित वो व्यक्ति हो सकता है, इसका चिन्ह है. ऐसे चिन्ह अगर आपके हाथ में पहले से है, तो यू शुड टेक केयर अबाउट योर हेल्थ. पहले से ही हेल्थ के बारे में आपने प्रिकॉशंस ले लिया, तो ये चिन्ह आगे जाके अपने आप दिखना बंद भी हो सकते हैं. ये मैंने बहुत से लोगों में देखा भी है. फिर हम जाएंगे हृदय रेशा के पास. हृदय रेशा दिखाती है हमारे फीलिंग्स. अगर उसके बहुत सारे ब्रांचेस है, तो हृदय रेशा दिखाती है कि व्यक्ति अनेक लोगों से मिलता जुलता है, मेल जोल का उसका स्वभाव है, ये उसका ब्रांचिंग दिखाता है. अगर हृदय रेशा आगे जाके बिल्कुल ब्रांच नहीं हो रही है, तो वो व्यक्ति का स्वभाव मेल जोल का थोड़ा कम होता है. ही इज़ लेस सोशल, लेस टॉकेटिव. सो दिस इज़ द ब्रांचिंग ऑफ लाइन्स. ये वीडियो हर एक लाइन का ब्रांचिंग उसके फ़ायदेमंद या नुकसान दिखाता है.
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं लोगों को कंसल्टेशन प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपके मन में वीडियो देख के कुछ प्रश्न आ रहे तो मैं कंसल्टेशन आपको दे सकता हूँ। इसमें दो मार्ग हैं, एक व्हाट्सएप से आप कर सकते हो या मेरे वेबसाइट को आप कनेक्ट हो सकते हो। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है और मेरा वेबसाइट है doctorsagar.com। धन्यवाद।